कौमी असेंबली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर, ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। अली मोहम्मद खान की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद, पीटीआई रहनुमा का बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बिलाल अजहर कियानी कहते हैं, कोई भी शख्स अगर किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो वापस नहीं जा सकता, पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने पर वो आजाद तसव्वुर होगा। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू नहीं चलेगा, कानून साजी आइन के ऐन मुताबिक है। वजीर कानून आजम नजीर ताड़र का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, किसी जुर्म में तरमीम नहीं करने जा रहे, ये आज अपने हल्फनामों से मुकर रहे हैं। इलेक्शन तरमीम बिल गैर आइनी है, ऐवान में गैर कानूनी इकदाम हो रहा है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं हमें मखसूस नशिस्तें ना मिल जाएं। इनके मेम्बरान को भी नहीं पता कि कौन सी कानून साजी हो रही है, सियासी जमात को स्पेस ना दिया तो नतीजा हसीना वाजिद जैसा होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर करा दिया गया, अब उस पर क्या बात करूं, फारूक सत्तार का ऐवान में खिताब, कहा बिल मंजूर होने से पहले बात करने का मौका देना चाहिए था। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ओआईसी वुज़रा ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए जद्दा रवाना, इजलास ईरान और फलस्तीन की दरख्वास्त पर तलब किया गया है। जमात इस्लामी का 8 अगस्त को धरना मार्च का ऐलान, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर में धरना होगा, 14 अगस्त के बाद मुल्क गिर शटडाउन हड़ताल का ऐलान करेंगे। और उबूरी हुकूमत का खाका हम देंगे, बांग्लादेश में तुलबा रहनुमा डट गए, नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को क़यादत के लिए नामजद कर दिया, प्रोफेसर यूनुस ने रजामंदी जाहिर कर दी। तुलबा रहनुमा और बांग्लादेशी आर्मी चीफ के दरमियान आज मुलाकात होगी। मुल्क में कशीदगी में कमी, ऑपोजिशन लीडर खालिदा जिया की रिहाई का हुक्म, कर्फ्यू उठा लिया गया।